जो सिलेंडर में फिट होता है वो, ये जो सिलेंडर है 5 केजी का एलपीजी का सिलेंडर, हर 5 केजी एलपीजी सिलेंडर में ये फिट होता है, इसका ये सिलेंडर है। तो ये कैसे फिट होता है आपको दिखाते हैं हम। हाँ, जो ये पहले वाला जो नॉब है इसको हम पहले सिलेंडर में फिट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे फिट करते हैं। ऐसे फिट हो गया। और जब फिट करेंगे तो ये ऊपर वाला वाल्व बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से गैस निकलेगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला फिट करना पड़ेगा हमको, ये वाला। हाँ, ये वाला ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला नॉब है इसको खोलना पड़ता है। ये मैंने खोल दिया इसको। अब ये गैस आके यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे भी एक नॉब है, ये वाला अगर खोलेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगा। तो इसका डेमो दिखाता हूँ आपको। देखिए, और पहले खोलना पड़ता है, उसके बाद हाँ ये जो अगर अब वो कंट्रोल है स्पीड स्पीड का, वो अगर ज़्यादा ऊपर वाला नॉब ज़्यादा खोलेंगे तो गैस ज़्यादा निकलेगा, कम खोलेंगे तो कम निकलेगा। हाँ, ऐसे बंद हो जाएगा। फिर से एक बार दिखाओ कैसे काम करता है। हाँ, आपको दिखाएंगे ये जो सामने वाला नॉब है, बंद करो उसको। ये जो सामने वाला नॉब है ये और भी दो टाइप के हैं, ये वाला। इससे जो होता है फ्लेम का डिफरेंस होता है, वो आपने जो देखा वो शार्प था, वो सबसे बड़ा वाला था, जो उससे ये वाला और भी शार्प है, ठीक है। इससे ये जो अलग अलग है, एक आपको खोल के फिट करके दूसरा वाला दिखाते हैं हम कैसे खोलते हैं। देखिए, वहाँ से खोलते हैं ऐसे ऐसे खोल के। अब ये दूसरे वाला हम लगाते हैं उस पर। हाँ, इससे जो होगा वो फ्रेम का डिफरेंस होगा, स्पीड का नहीं। स्पीड का डिफरेंस अलग तरीके से होंगे, वो हम इसके बाद दिखाते हैं आपको। हाँ, हो गया। अभी एक ऐसे फ्रेम होता है, देखिए। हाँ, इसका रेंज ये और शार्प हो गया, इसका रेंज ज़्यादा दूर तक है, ठीक है। तो ये एक गया, और भी एक है यहाँ पे। तो ये तीनों का अलग अलग फ्रेम डिफरेंस है। अब हम दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ, अब जो इसके अंदर वाला है वो हम दिखाएंगे आपको। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पार्ट्स है छोटा छोटा, इसका काम है इसके अंदर, वो जो उसके अंदर रहता है ये छोटा पार्ट्स, इससे हम स्पीड का डिफरेंस करते हैं। खोलो उसको। ये जो है ये है, इसका माप है 0, ठीक है। इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। अगर इससे कम स्पीड आपको चाहिए तो इस पैकेट में जो है उसके साइड में लिखा है 1 और 2, इसमें कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये 0 है, 0 का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। इसका
छेद से इसका फर्क पड़ता है, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है एक नंबर, एक नंबर से स्पीड थोड़ा कम होता है। उसके बाद आता है दो नंबर, जिससे स्पीड और थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो एक इससे ये वाला भी एक ही उसी तरह फिट होता है, ये जैसे फिट होता है। तो मैं जो लगाना लगाया था वही फिट से लगाता हूँ, वो वाला ही। ठीक है, दूसरा वाला ही लगा। तो अब लगा दो उसमें। हाँ, ऐसे फिट होता है। एक नंबर, एक नंबर। हाँ, उसके बाद इस नॉब को फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से। हाँ, तो होता है इसका स्पीड। ठीक है, स्टॉप को। तो सर फिर से जो पार्ट से उसके बारे में बोलते हैं हम, ये जो नॉब है इसके अंदर एक छोटा पार्ट से जो ये वाला है, इससे स्पीड का डिफरेंस होता है। और ये जो नॉब है इससे फ्लेम का डिफरेंस होता है, बड़ा होता है छोटा होता है उससे फर्क। और ये जो नॉब खोलते हैं हम यहाँ से खोलते हैं, हाँ यहाँ से खोलना पड़ता है। उसके अंदर ये छोटा वाला पार्ट्स फिट होता है ऐसे। हाँ, तो इससे स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक पार्ट से ये वाला, ये है स्टैंड, जो यहाँ पे तीन छेद है, इससे किसी में स्क्रू से फिट करना पड़ेगा। हम दिखाते हैं, ये ऐसे स्टैंड करके काम हो जाने के बाद वो ऐसे रखते हैं हम। ठीक है, ऐसे रह जाते हैं इसमें। तो सारे जो पार्ट्स है वो दिखा दिया आपको। और फिर एक बार बोलूँ, ये जो लेज़र गन है ये 5 केजी का LPG में फिट होता है। हर 5 केजी सिलेंडर में फिट हो जाएगा ये।